Live, a platform to sharing your thoughts. राजस्थान की पहचान पूरी दुनिया में अपनी समृद्ध कला के लिए है यहाँ इस कला को सदियों से संजोया गया है इसके लिए अठारह में राजधानी जयपुर में स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की गई थी आज़ादी के बाद भी सरकारों ने इस स्कूल ऑफ आर्ट का संरक्षण किया और इस स्कूल ऑफ आर्ट से कई बेहतर कलाकार निकले हैं लेकिन वर्तमान में यह स्कूल ऑफ आर्ट सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा है यहाँ पर किस तरह से अनदेखी हो रही है इसका आप नज़ारा यहाँ पीछे आप देख सकते हैं मेरे कि 22 दिनों से यहाँ स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट धरना दे रहे हैं मुद्दा ये है कि यहाँ पर प्रिंसिपल हैं वो इस स्ट्रीम की नहीं है जिसकी यहाँ ज़रूरत है जो शिक्षा है वो इनकी काबिल नहीं है ड्राइंग की या इतिहास की टीचर हैं इतिहास की टीचर को यहाँ पर लगाया गया है एज ए प्रिंसिपल अब आप समझ सकते हैं कि इतिहास पढ़ाने वाली कोई शिक्षक यहाँ कैसे किसी कलाकार को परिष्कृत कर सकती हैं ये एक विरोधाभास है ये विसंगति है जो यहाँ पर स्कूल ऑफ आर्ट में हो रही है और इसके लिए यहाँ सरकार के नुमाइंदों को सरकार तक कई बार बात पहुँचाई गई लेकिन अभी तक इनकी बात नहीं सुनी गई है ये महज एक उदाहरण है इससे पहले भी करीब सात शिक्षक इस तरह के लगाए गए थे जिनका वास्ता इस, इस स्कूल से नहीं था ना ही इसकी शिक्षा से था लेकिन यहाँ पर अपनी अप्रोच से अपने रसूख के कारण यहाँ शिक्षक आते हैं और क्योंकि राजधानी जयपुर में ये स्कूल ऑफ आर्ट है तो यहाँ नौकरी करते हैं अपने घर के पास और इसलिए उनको यहाँ पर एक तरह से डंप कर दिया जाता है तो यहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका सीधा सीधा असर इनकी शिक्षा पर होता है इनकी आर्ट पर जिस कला को ये निखारने के लिए यहाँ आते हैं वो कला यहाँ पर कहीं ना कहीं पिछड़ती जाती है इस पर बात करेंगे बहुत सारे जो यहाँ स्टूडेंट हैं जो बैठे हुए हैं इस धरने के को लेकर और अपनी मांग कर रहे हैं कि उनको बेहतर शिक्षक दिए जाएं ताकि इनकी कला को निखारने में मदद मिले इन्हीं से बात करते हैं आप बताइए क्या पीड़ा है यहाँ पे एक तो प्रोफेशनल जो टीचर है वो नहीं है प्लस जो सरकार हमारी आयुक्तालय है ना हमारी प्रिंसिपल सुन रही है ना आयुक्ता वाले सुन रहे हैं यहाँ पे हमें हमारी एक ही मांग है हमें प्रोफेशनल टीचर चाहिए प्लस प्रोफेशनल प्रिंसिपल चाहिए यहाँ पर ये बिल्कुल दिया तले अंधेरा वाली बात है कि ये शिक्षा संकुल है यहाँ से पूरे प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी मॉनिटरिंग होती है उसका संचालन होता है और उसी का हालत ये है कि यहाँ पर इन लोगों को 22 दिन से ये धरने पर बैठे हुए हैं लेकिन इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है और भी यहाँ पर स्टूडेंट इनसे बात करेंगे आप बताइए सर हम थर्ड ईयर में हमें प्रोफेशनल टीचर्स रहे हैं यहाँ पर यहाँ के जो टीचर्स हैं वो हमारी स्ट्रीम के हैं ही नहीं तो कोई जो हमारी स्ट्रीम का है ही नहीं वो हमें कैसे पढ़ा सकता है बस हम हमारे प्रोफेशनल टीचर्स की डिमांड कर रहे हैं पहले हमने प्रिंसिपल को हटवाया था पर उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ भाई वापस आ गई हैं कोर्स से लेकर और अब जाने का नाम नहीं ले रही हैं वो यहाँ से इतिहास की टीचर आर्ट पढ़ाएंगी इससे ज़्यादा हाषास्पद क्या हो सकता है सर अगर टीचर स्पेशलिस्ट नहीं होगा तो वो स्टूडेंट को क्या सिखाएगा यहाँ पे बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं उनको बोलेंगे हमको स्केच बना के दिखाओ पर वो ये नहीं सिखाते हैं कि स्केच की लाइन कैसे लेनी है अब नहीं सिखाएंगे तो बच्चा जो करेगा वो तो गलत ही करेगा बिना किसी गाइडलाइन के अगर हम एक छोटे बच्चे को शुरू से ए बी सी टी नहीं सिखाएंगे तो वो बुक नहीं पढ़ पाएगा वही हाल हमारा है कि अगर टीचर हमको सिखा ही नहीं पाएगा तो हम कैसे पढ़ पाएंगे और उसके साथ साथ ही यहाँ पे हम स्ट्राइक पर बैठे हैं और कोई हमारी सुन नहीं रहा है इससे हम बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है हमारा मास्टर्स में फाइनल ईयर है हम किससे बात करें जाके जो हमारी बात सुने और हमारी पूर्व स्टूडेंट हैं साथ ही कलाकार हैं उनको भी इसके कारण काफी पीड़ा है कि एक समृद्ध परंपरा वाला ये आर्ट रास्ता आर्ट ऑफ स्कूल रहा है लेकिन अब इस तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं कितना नुकसान हो रहा है इससे आपकी क्या पीड़ा है हमें बहुत तकलीफ़ होती है मैं आर्टिस्ट हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड में घूमता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ के जो आर्ट स्कूल्स में फैसिलिटीज़ हैं जहाँ जो, जो टीचर्स हैं उनके जो क्वालिफिकेशनस हैं उनके कंपेयर में यहाँ पर कुछ भी नहीं है और मतलब हर साल जो स्कूल ऑफ आर्ट का जो स्टैंडर्ड है वो गिरता जा रहा है और कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर लोग उनको उनसे कोई मतलब नहीं है कि राजस्थान का एकमात्र आर्ट स्कूल है उसको अच्छी तरह से रन करना चाहिए नहीं उनको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ये शिक्षा संकुल में ही स्थित है और यहाँ से सारा प्रशासन का जो प्रशासनिक काम है वो होता है शिक्षा का तो क्या बातचीत नहीं होती यहाँ अधिकारियों से सरकार से सरकार के नुमाइंदों से कि यहाँ पर इस तरह की अव्यवस्थाएँ हैं उसके कारण कितना नुकसान हो रहा है स्टूडेंट्स का नहीं बातचीत काफ़ी सालों से चल रही है ऐसा नहीं मैं खुद पिछले दस सालों से कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितनी बार आर लगा चुका हूँ लेकिन वो लोग हमेशा कभी भी उसका प्रॉपर आंसर नहीं देते हैं उसको गोलमाल करके उसको क्लोज कर देते हैं और स्टूडेंट्स भी काफ़ी टाइम से पाँच छः सालों से लोग बोल रहे हैं इनको लेकिन कहीं पे इनकी सुनवाई नहीं हो रही पिछले अभी पंद्रह दिन तीन महीने पहले भी इन्होंने स्ट्राइक करी थी और उनके साथ समझौता हुआ था अब वो उससे भी मुकर गए हैं अपनी बात से वापस ये सोहन जाखड़ हैं पूर्व स्टूडेंट हैं यहाँ राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के और कलाकार हैं इनकी भी पीड़ा है और इस पीड़ा को ये स्टूडेंट्स की पीड़ा को बांटने के लिए यहाँ आए हुए हैं और इसमें सहयोग कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो अव्यवस्था है विसंगतियाँ हैं वो दूर हों संदीप शर्मा हैं हमारे साथ में जो भी स्कूल के निकले हुए कलाकार हैं इनको भी पीड़ा होती है जब इस इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं आप बताइए संदीप जी कितना नुकसान होता है एक कलाकार को देखिए मैं जो भी कोई स्टूडेंट जब पढ़ने के लिए आता है तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो ड्राइंग कैसे करना सीखे उसको मैं, किसी का चेहरा बनाना उस चेहरे की बारीकियों को कैसे पकड़ा जाए उसमें कलर्स की डेप्थ किस तरीके से लगाई जाए उसको पढ़ाने वाले अगर नहीं हैं जिन्होंने खुद ने कभी कोई पेंसिल नहीं पकड़ी अपने हाथ से कोई ड्राइंग करने के लिए वो लोग ऐसे टीचर्स को अगर यहाँ बिठा दिया जाएगा तो वो कुछ भी नहीं पढ़ा सकते कुछ भी नहीं सिखा सकते और यह यहाँ के स्टूडेंट ठीक है पास हो जाएंगे लेकिन इनका आगे फ्यूचर नहीं है कुछ भी ना ये काम बढ़िया कर सकते ना ये ड्राइंग अच्छी कर सकते ना ये कुछ और ऐसा अच्छा कर सकते अगर कहीं स्कूल की नौकरी के लिए या ड्राइंग टीचर की नौकरी के लिए कहीं करें तो वहाँ ये परसेंटेज में मात खाएंगे इस, इस इन सारे कारणों को मिला करके पूरे के पूरे आर्टिस्ट जगत का स्टूडेंट्स का पूरा नुकसान किया जा रहा है आयुक्तालय महोदय से एक बार छात्र लोग मिले थे तो उन्होंने तो सीधा वो फतवा जारी कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए हमने जो कर दिया वो पत्थर की लकीर है तुम्हारा भविष्य खराब होता हो तो वो हमें क्या है और यही दुख है कि इतनी पुरानी संस्था जहाँ मैं इतने साल पढ़ा हूँ उस वक्त के टीचर्स जो इतने बढ़िया बढ़िया लोग थे आज भी हैं वो लोग कुछ लोग सेवानिवृत्त हो गए बाकी लोग आज भी हैं उस क्वालिटी की आ, एजुकेशन देने के लिए सरकार क्यों नहीं तैयार है केंद्र सरकार कहती के है हम एजुकेशन के लिए ये भी फ्री कर देंगे वो भी फ्री कर देंगे वो भी फ्री कर देंगे और यहाँ टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है राजस्थान में सरकार की ओर से सार्वजनिक मंच पर ये कहा जाता है आ, आ, कई बार की हम कला को आगे बढ़ाएंगे और लेकिन यहाँ आकर देखेंगे कि ये जो आ, मंच पर दिए हुए भाषण है उसमें कितना खोखलापन है ये आपको नज़र आ, आ जाएगा यहाँ और भी जो स्टूडेंट हैं जो पूर्व स्टूडेंट हैं जो लोग यहाँ हमेशा से इस समस्या को उठाते रहे हैं उनमें से एक और हमारे साथ हैं इनसे बात करेंगे आप बताइए कि यहाँ शिक्षा संकुल है यही सारा प्रशासन है सरकार यहाँ है इसके बावजूद ये आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है समस्या नहीं ये तो सब इन्हीं का किया धरा है ना ये स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ आया है तो ये इन्होंने अपना ही एक अड्डा बना रखा है इसको कि यहाँ से जो भी है इधर से इधर कर लो इधर से इधर कर लो यहाँ पे अभी भी इनके सरकारी ऑफिस चल रहे हैं स्कूल ऑफ़ आर्ट में जबकि बच्चों को पढ़ने के लिए जगह ही नहीं है नेशनल फेमस आर्टिस्ट निकले हैं बट अब अधिकारियों का ये है कि भाई उन्होंने तो ऐसा समझ रखा अपनी जागीर समझ रखा है इसको अयासी का अड्डा बना रखा है यहाँ पर किसी को भी अपनी बहन है माँ है कोई भी बीवी है किसी को भी उठा के किसी रईस की औलादें हैं उनको उठा के बिठा दिया है यहाँ पर डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपये सैलरी है तो ये आ, इन लोगों की ये बहुत बदतमीजियाँ हैं जो आ, पिछली बार भी हमने पंद्रह दिन इन बच्चों ने हम लोगों ने साथ मिल के एक आंदोलन किया था उसमें इन लोगों ने एग्रीमेंट पूरा किया था कि भाई अब इस तरीके से की गड़बड़ियाँ नहीं होंगी उसके बावजूद भी इस तरीके से हुआ तो वापस आज इनको बाईसवा दिन है इन बच्चों को और अच्छा है कि अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं और हम ही नहीं पूरा आर्टवर्ड इन लोगों का समर्थन कर रहा है और हमारी तो यही दुआएं हैं इन लोगों के लिए और समर्थन है पूरा कि भाई जब तक तुम्हारी मांगें पूरी नहीं हो जाती जब तक तुम्हें तुम्हारा राइट नहीं मिल जाता जब तक उठने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं हम अंदर बैठ के जो काम कर रहे हैं वो बाहर बैठ के भी कर सकते हैं तो बेहद ही गंभीर समस्या है लगभग आधी सदी से ज़्यादा का समृद्ध इतिहास है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट का और यहाँ से कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन कलाकार निकले हैं लेकिन अब यहाँ यह ये संक्रमण काल से राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट गुजर रहा है और ख़ास तौर से सरकार और प्रशासनिक जो अनदेखी है उसका शिकार है एक और उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कूल ऑफ आर्ट के साथ ही राजस्थान संगीत संस्थान है यहाँ पर भी जो प्रिंसिपल हैं उनका कोई वास्ता संगीत से नहीं है बेसिकली ड्राइंग की टीचर हैं लेकिन यहाँ प्रिंसिपल हैं तो ये एक हषास्पद स्थिति इस, इस तरह से जो कला से जुड़ी हुई शिक्षा है उसके साथ यहाँ पर हो रही है राजस्थान में और सरकार प्रशासन का कोई इसकी ध्यान खुण 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 नहीं कैमरा कैमरामैन मोहन सिंह के साथ A platform to sharing your thoughts.